देख रहे हैं जल की धारा कितनी तेज है और जल में लकड़ी बह के आए हैं जो ला रहे निकाल के लिए। देख रहे हैं अच्छी खासी जल की धारा, ज्यादा मटमैली है। देख रहे हैं ये, देख रहे हैं पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे लग गया घेरा और वाली पार्किंग है और इधर से कांवड़ यात्री जाएंगे और देखे कुछ कांवड़ यात्री यहाँ पे कांवड़ लेके आ रहे हैं। हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे। अभी देख रहे हैं हल्की फुल्की से बारिश, हल्की फुल्की सो रही रिमझिम रिमझिम और मौसम काले काले बादल छाए हुए हैं और जो भीड़ है ये आप देख रहे हैं, ये हर की पेड़ी नहीं, हर की पेड़ी यहाँ से लगभग 400-500 मीटर है। पूरे एक किलोमीटर पहले से भीड़ आपको अच्छी खासी आप देखने को मिलेगी। देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कांवड़ सज रहे हैं। देख रहे हैं इधर का सामान तो पूरी साफ कर दिए गए हैं, जो होटल थे सारे हटा दिए गए हैं। ये जो आपको पार्किंग बनते हुए नजर आ रहा है, नहीं लगता है कि 22 तारीख तक बन पाया क्योंकि जो तैयारी है वो अभी बहुत अधूरा है। और इधर जो है कांवड़ की तैयारी आप देख रहे हैं, दो दो टेंट यहाँ पे लग चुके हैं, काफी अच्छी खासी तैयारी है। और इधर से ही श्रद्धालुओं की संख्या आती है, कांवड़ यात्री कांवड़ लेके इधर से ही जाते हैं। और ये है गौ घाट, ऋषिकेश बाईपास वाला मार्ग, सारे लगभग सारे 80% अगर हम कहें तो इधर से लोग आते हैं। 20% एक और ब्रिज है शिव ब्रिज, उधर से निकल जाते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे वो भी मार्ग, ये है। आज भीड़ काफी ज्यादा है सुबह सुबह ही, अभी 8 बजे सुबह के, और आप देख रहे हैं सारे और भीड़ अच्छी खासी है। और जो हर की पैड़ी में कांवड़ सजाते हैं वो तो अलग ही है, और जो यहाँ पे कांवड़ सजा रहे हैं वो आप देख रहे हैं अच्छी खासी भारी कांवड़ सज रहा है यहाँ पे। देख रहे हैं जल की तेज धारा और हो चुकी है तेज, देख रहे हैं। और चीजें आज इसमें काफी सारे चीजें जलकुंभी वगैरह बह के आ रहे हैं क्योंकि कल रात को, आज रात को, कल सुबह दिन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई हरिद्वार में। और कल दिन में थोड़ा सा कमी हुआ है लेकिन आज ज़्यादा बारिश हुआ रात को। चलते हैं हर की पैड़ी, यहाँ से लगभग हर की पैड़ी है 400 मीटर यहाँ से हर की पैड़ी। और इस घाट पे भी आपको चेंजिंग रूम मिल जाएंगे स्नान करने के बाद, चेंज करने के लिए। और ये वाले जो ब्रिज है, इस ब्रिज से होकर सीधे आप हापर रोड, मोती बाजार और साथ में सुभाष घाट, मनसा देवी के टेम्पल जा सकते हैं। मनसा देवी में भी आप जा सकते हैं पैदल मार्ग रोपवे से, अभी भीड़ थोड़ा कम है, ऐसे सुबह सुबह भीड़ ज़्यादा होता है, बाकी दिन में थोड़ा सा कम भीड़ होता है क्योंकि तेज़ धूप हो रहा है ना, फिर श्रद्धालु संगत सुबह सुबह दर्शन कर जाती है। और भीड़ आप देखेंगे यहाँ पे, लोगों की संख्या यहाँ पे भी खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी आपको। चलते हैं इधर से, इधर से फिर हम आपको दृश्य दिखाते हैं। एक कांवड़ आपको यहाँ पे दिख गया, ये आ रहे कांवड़ लेके, ऐसे ही आपको कांवड़ आपको देखने को मिलेंगे। एक सफर करिए कांवड़, भीड़ आपको अब बढ़ते नजर आएंगी, अब भोले की संख्या ही ज्यादा नजर आ रहा होगा यहाँ पे। देख रहे हैं सारे भोले हैं, ये कांवड़ लेने जल लेने आए हुए हैं। अब यहाँ से आपको नजर आएगी माँ गंगा की तेज बहती जल की धारा, जल में देख रहे हैं चीजों की संख्या, देख रहे हैं लकड़ी, जलकुंभी, प्लास्टिक की चीजें पूरे बह के आ रहे हैं। कुछ लकड़ियां भी आ रही, बड़ी बड़ी लकड़ियां आ रही जैसे कि हमने आपको दिखाया, वो लकड़ी निकाल रहे थे जल से। देख रहे हैं क्या क्या चीजें बह के आ रहे हैं, पूरे स्पष्ट आप देख सकते हैं, अच्छी खासी चीजें है बह के आ रही। जल की धारा भी तेज काफी ज्यादा हो चुकी है और माँ गंगा की धारा में देख रहे हैं चप्पल, जूता, लकड़ी, फोम, ये सारे बह के आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे लोगों की भीड़। चलते हैं यहाँ से, बस हर की पैड़ी नजदीकी है, ज्यादा दूर है नहीं।
देख रहे हैं काफी सारी चीजें बह के आ रही है गंगा में। ये आप देख रहे हैं नए घाट का दृश्य, यहाँ से शिव ब्रिज खत्म हो जाता है, नए घाट स्टार्ट हो जाता है। घाटों पे अलग ही भीड़ नजर आ रहा है, अलग ही रौनक नजर आ रहा है। जो भीड़ अभी कुछ दिनों पे नहीं दिखाई दे रहा था वो आज दिखाई दे रहा है। अब आपको आज से स्टार्ट हो गया ये है, अब आपको पूरे कम से कम सावन के महीने में आपको ऐसा ही भीड़ नजर आएगा, अच्छी खासी भीड़ नजर आने वाला है। अभी हर की पैड़ी पहुंची नहीं, हर की पैड़ी बस पहुंचने ही वाले, यहाँ से 100 मीटर की दूरी हर की पैड़ी देखेंगे। आ रहे भोले जल लेके आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पे एक सफर का एक कांवड़ देखने को मिलेंगे। फिर से जल की धारा में जो तेजी दिखाई दे रहा है उसका आप दृश्य देख सकते हैं, बिल्कुल सटके जा रहा है इस वाली ब्रिज से, जल की धारा दिख रही है, टच होते हुए जा रहा है, देख रहे वहां पे एक कपड़ा है उसको पूरी तरह से वो टच करते हुए जा रहा है। इतनी ज्यादा तेज जल अब आ चुकी है हर की पैड़ी में, ये हर की पैड़ी का जल है। हर की पैड़ी अभी हम लेके जाएंगे सामने वाला जो घाट सुभाष घाट है, ये देख रहे काफी तेज जल की धारा है और जल में काफी सारी चीजें बह के आ रहे हैं। ये नई घाट है और ये वाली घाट दूसरा किनारा है। अब आपको नई घाट या हर की पैड़ी यानी ब्रह्मकुंड घाट में कम भीड़ नजर आएगा, क्योंकि बाकी जो भीड़ है वो उधर नजर आएगा इस किनारे पे, इस किनारे सबसे ज्यादा भीड़ नजर आएगा यहाँ से लेकर पूरा हर की पैड़ी तक, क्योंकि ब्रह्मकुंड में नहीं जाते कांवड़ यात्री। और अभी कांवड़ यात्रियों का ही दृश्य देखने को मिलेगा, पूरे घाट और पूरे रास्ते पूरी तरह से जाम और भीड़ वाला नजर आएगा, पूरी तरह से रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। तो जब भी आए तो थोड़ी सी प्लानिंग करके आए सावन के महीने में, क्योंकि जल की धारा तो आप देख ही रहे हैं, जल की धारा तेज और कम होते रहता है। हर की पैड़ी में जल की धारा को लेकर आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जंजीर यहाँ पे है, बैरियर यहाँ पे है, बैरियर पकड़ के जंजीर पकड़ के आप स्नान करेंगे तो आप आराम से स्नान कर सकते हैं, किसी बार कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। लेकिन आप गहजल में जाके स्नान करना चाहेंगे तो दिक्कत हो सकती है, बाकी आपकी यात्रा काफ़ी अच्छे से होगी। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जब भीड़ ज़्यादा होता है तो आप रूम की एडवांस बुक करा के आए, ऐसे अभी भीड़ संडे को होने वाला है, अच्छी खासी संडे को भीड़ होगा, इसका ट्रेलर आज हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि संडे को आप कांवड़ यानी सावन का महीना, भोले भी आएंगे और भोले आएंगे तो जाहिर सी बात है अच्छी खासी तगड़ी वाली भीड़ होने वाली है, और उसका आज अभी देखेंगे। हम जाएंगे उधर, अभी देख रहे हैं इधर जो आपको नजर आ रहा होगा सारे भोले ही नजर आ रहे हैं, एक दो पर्सन श्रद्धालु जो कि नॉर्मल है, देख रहे हैं अभी आ रहे हैं कांवड़ उधर से, देख रहे हैं काफी भारी भारी कावर अभी भी उठ रहा है। अरे महादेव, मेरठ वाले बोले का जा रहा है, देख रहे हैं कावड़ और अच्छी खासी वजन है। आज आपको हजारों की संख्या में कांवड़ यहाँ पे उठते हुए नजर आएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे भोले कांवड़ सजा रहे हैं, इधर भी कांवड़ सजी रहा है, इधर भी कांवड़ सज रहे हैं, पूरे घाट में कांवड़, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इस किनारे पे कांवड़ ही कांवड़ आपको देखने को मिलने वाले हैं, देख रहे हैं सारे घाट में कांवड़ आपको देखेंगे देखने को मिलेंगे। और जो भीड़ है वो उसमें नॉर्मल श्रद्धालु की संख्या केवल आप 10% मान लेते हैं 100 में, देख रहे हैं कितनी तेज है जल की धारा और काफी। अभी हर की पैड़ी हम लेके जाएंगे, हर की पैड़ी का दृश्य दिखाएंगे, हर की पैड़ी में क्या दृश्य है, क्योंकि हर की पैड़ी में जो जल की धारा तेज होने के बाद जो ब्रह्मकुंड का एक किनारा है वो डूबने वाला होता है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। आज भीड़ आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा होगा, और देख रहे हैं अब झूला कांवड़ भी आने लगे हैं, इधर भी कांवड़ सजी रहे हैं, पूरे घाटों पर कांवड़ आपको कांवड़ ही कांवड़ नजर आएगा। ये आ रहे हैं फिर से कांवड़, ये देख रहे हैं जय बोलेगी। देख रहे हैं छोटे बड़े सारे कांवड़ आपको देखने को मिलेंगे, और इधर से हम आपको एक बार जल की तेज गति दिखाते हैं, लहरें दिखाएंगे आपको ताकि आप यहाँ की जो दृश्य है वो समझ सकें। देख रहे हैं लहरें कितनी तेज है माँ गंगा की,
तो थाने पर स्नान नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती है। ऐसे हरिद्वार में स्नान करना सेफ है ऋषिकेश की तुलना में। ऋषिकेश जाएंगे तो घाटों में देखेंगे या ऐसे जल की धारा पे हालत खराब हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं काले काले बादल है, कांवड़ सज रहे हैं, एक से बढ़कर एक कांवड़ इधर देख रहे हैं, बड़े बड़े कांवड़। अभी तो और भी कांवड़ देखने को मिलेंगे। चलते हैं भरकी पैड़ी देख रहे हैं।